नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के फैंस हमें व्हाट्सएप करें हाय बिग फैन 8097426767 पर। पकड़ाते जाओ, पकड़ाते जाओ। भाई साहब के हाथ में दो। मैडम आप फटाफट ऊपर जा जाइए। अरे तुम मेरी टेंशन मत लो, सामान अंदर करो, जल्दी ये लो। मैडम आपसे पहले ही कह रहे हैं दूसरों को लिखा सामान। अरे फ्रेम देखो, बाबा जी का फ्रेम है। अरे और भी सामान है क्या? जितना भी सामान है आने दो, नो टेंशन। ये लो पकड़ो, ये बहुत रिस्की है। अरे मैडम आप प्लीज सामने देखिए। देख रही हूँ, आप जल्दी से सामान लीजिए। आइए। आज तो आधी हो गई, लाइन क्रॉस हो ही गई थी आज तो। पता है क्या, आज तक लाइफ में एक ट्रेन नहीं छूटी मेरी। थैंक यू बाबा जी, मेरा रिकॉर्ड टूटने से बचा लिया। अंदर आ गई हूँ मैं, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। मुझे ना नॉन एसी में चलना बेटर लगता है, मगर मेरी फैमिली है ना कहते हैं तुम लड़की हो, जैसे मुझे नहीं पता कि मैं लड़की हूँ। भाई साहब ये एवन है ना, थैंक यू। अब एसी से लड़की का क्या कनेक्शन है, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता। कोई पहली बार अकेली थोड़ी ट्रैवल कर रही हूँ मैं, मौसम इस ट्रेन में, ये तो समझ लो मेरा सेकेंड होम है जी। टिकट दिखाना प्लीज। हेलो, आपसे बात कर रही हूँ। अरे ये सीट मेरी है, 23। कमाल है। ओ बॉस, ये पैसेज वाली सीट जो है ना कोई नहीं लेना चाहता, मगर मैं इंसिस्ट करती हूँ कि भैया मुझे पैसेज वाली सीट ही दो। रिजर्वेशन वाले अंकल बड़े हैरान परेशान से हो जाते हैं, मगर मेरा फंडा ये है कि मेरा सफर है ना इस ट्रेन के साथ खत्म नहीं होता। आगे जाना है मुझे भटिंडा, वहाँ घर है मेरा, फैमिली है, सबकी फैमिली होती है, मेरी भी है। सब कहते हैं मुंबई बड़ा क्राउडेड है। अरे क्राउडेड मतलब क्या, क्राउड हम जैसे लोगों से तो बनता है, खुद भीड़ का हिस्सा है और तकलीफ भी खुद ही को है। मैं तो जा रही हूँ मुंबई छोड़ के हमेशा के। आई थी पता है कब, जब मुंबई बॉम्बे था, हॉस्टल हॉस्टल हॉस्टल, सेंट टेरेसा बोर्डिंग स्कूल हॉस्टल इन शिमला, मिशनरी हॉस्टल फॉर कॉलेज गर्ल्स इन बॉम्बे सेंट्रल। मुझे कसम है आज के बाद मैं कभी हॉस्टल में नहीं रहूंगी। आई होप बरसात के आने से पहले ये रोड्स की डिगिंग बंद हो जाए, वरना पता है क्या होगा। एनीवेज क्या हुआ, अरे शर्मीले टाइप के या सिर्फ बदतमीज हो। हाँ कुछ तो बात है, तीन बारी पूछ चुकी हूँ पर कोई जवाब ही नहीं। टिकट प्लीज, बर्थ पे है, देती हूँ। एक्सक्यूज मी भाई साहब, टिकट प्लीज। हेलो भाई साहब, पहले आप अंदर आइए, आइए आइए और टिकट दिखाइए। ये तुम्हारी टिकट देखना चाहते हैं। टिकट कहाँ है? टिकट मेरे पास टिकट नहीं है। एक्चुअली देखिए क्या हुआ है कि इनका प्लान जो है ना लास्ट मोमेंट पे बना, इसलिए टिकट खरीदने का टाइम नहीं था। वैसे ट्रेन काफ़ी खाली जा रही है, तो आप अब इनकी टिकट बना दीजिए, नो प्रॉब्लम है ना भाई साहब? आप कन्विंस हो गए या मैं और बोलूँ? कहाँ की टिकट बनाऊँ? हेलो, कहाँ तक जा रही है ट्रेन? क्या लास्ट स्टॉप दिल्ली? दिल्ली की टिकट बनाइए। देखिए मैं बता ही दूँ, इनके साथ एक हादसा हुआ है, बुरा वक्त है, तभी ये दिल्ली।
क्या बॉस, चक्कर क्या है? ड्रग्स शग्स लिए क्या? देखो, लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना तो तुम मुझे बता सकते हो, आई डोंट माइंड, बता दो. बड़े सारे दोस्त मेरे मुझे अपने सारे प्रॉब्लम्स बताते हैं और मैं उन्हें सॉल्व कर देती हूँ. पता है, मैं ऐसी टाइप की लड़की हूँ, एग्नी आर्ट्स होती है ना, मैगजीन्स में आर्टिकल जाती है, वैसी. बात क्या है बताओ, बताओ क्या प्रॉब्लम है, बताओ बताओ, शर्माओ नहीं, बोलो ना प्रॉब्लम क्या है, बताओ यार. तुम हो मेरी प्रॉब्लम, बोलती जा रही हो, बोलती जा रही हो. तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. मैं नहीं करना चाहता तुमसे बात. मैं नहीं जानना चाहता कि तुम भटिंडा जा रही हो या बनारस किसी हॉस्टल में रहती थी या किसी ब्रॉथल में. आई जस्ट डोंट केयर, ऑलराइट? सो जस्ट प्लीज प्लीज लीव मी अलोन, ऑलराइट? ब्रॉथल वाली बात ठीक नहीं थी. देखो, मेरा मेरा मुझे पता है, क्लियरली तुम महा अपसेट हो किसी बारे में, इसलिए तुम मुझ पर भी अपसेट हो गए और बकवास करने लगे. मगर इट्स ओके, हाँ, मुझे बुरा नहीं लग रहा है. एक्चुअली मुझे आजकल किसी बात का बुरा नहीं लग रहा है. पता है क्यों? क्योंकि मेरी शादी होने वाली है बहुत जल्दी. अच्छा सुनो, भाग कर शादी कर रही हूँ. लड़का सीख नहीं है ना, लोग मानेंगे नहीं. पर शादी के बाद कोई क्या कर सकता है, जाके पैरों में गिर जाना है उनके. माफ तो करना ही पड़ेगा. मुझे ना पहाड़ बहुत पसंद है, रियली. बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बहुत क्रेज है. बाइक और एक तो ये हिल और माउंटेन के बीच फर्क क्या है, मुझे आज तक समझ में नहीं आई. मैं तो बस वेट कर रही थी कि कब मेरा कॉलेज खत्म हो जाए और उसकी ट्रैवल एजेंसी शुरू हो जाए. जबकि ना जूते अच्छे नहीं मिलते यहाँ, तभी तो मैं तुमसे कहा था ट्रेन से उतरने के लिए, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती. मेरी गलती है, बेशरम. मैं तुम्हारा हेल्प कर रही थी, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो. ओके, थैंक यू कि तुमने मेरी मदद की. अब तुम मेरा पीछा छोड़ोगी प्लीज? पीछा छोड़ोगी? अच्छा, इतना आसान नहीं है. तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हुई है और अब तुम मुझे भटिंडा पहुंचाओगे, मेरे घर तक, और वो भी मेरे सारे सामान के साथ. जी हाँ, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ. कोई डाउट मत रखना दिल में, सिखनी हूँ मैं भटिंडा की.